हाय व्यूअर्स, अगर आप स्टॉमिक पेशेंट हैं, अल्सर के पेशेंट हैं, अगर आपको अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, इसोफेगस की प्रॉब्लम है, गजाई नाली की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये पेन, स्टॉमिक पेन जो होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। ये जब शुरू होते हैं तो इतना शदीद होता है कि बंदा सांस नहीं ले सकता। तो एमरजेंसी में मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ, एक ऐसी मेडिसिन लेकर आया हूँ कि अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको मिनटों में आराम आ जाएगा। इस वीडियो में मेरी सिटिंग पोजीशन चेंज होने की वजह यह है कि साथ साथ में मैं कस्टमर भी डील करता रहता हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अल्सर के पेशेंट हैं तभी आप इस साशे को इस्तेमाल करेंगे। इसको जनरली भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ दफ़ा बंदा स्पाइसी, ऑयली और इस तरह की मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा लेता है, बिरयानी वगैरह, जिसकी वजह से पेन होता है बहुत ज़्यादा मैदे में, ठीक है। गैस की वजह से मैदे में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस है बहुत ज़्यादा, गैस्ट्रिक हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, तो आप फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वंस डेली 20 मिलीग्राम, ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो 40 मिलीग्राम एक गिलास पानी में डालकर पी सकते हैं। ये है साशे, राइजिक साशे, ओमेप्राजोल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें होता है। आप एक गिलास पानी में इसको डालकर मिक्स करके पी लें। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है तो आप इसको, ये 20 मिलीग्राम है, आप इसके दो साशे भी ले सकते हैं। इसमें 40 मिलीग्राम का भी मिलता है, वो एक साशे एक गिलास पानी में डालना है वंस डेली। अगर आपके पास 20 मिलीग्राम वाले साशे हैं तो दो साशे एक गिलास पानी में डालकर पीने हैं, ठीक है। वंस डेली इसकी डोज बनती है। तो अगर जितना शदीद पेन है आपको, उस हिसाब से आप इसकी 40 मिलीग्राम तक डोज़ ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मज़ीद इस तरह की मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।